एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत देर हो गई है, संडे को स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग। आपको आप देख सकते हो यहाँ पे सवा दो हो रहे हैं। अभी तक मेरा खाना सिर्फ बन रहा है। एक्चुअली महबूब गए नीचे ज़रा काम से, दही भी नहीं थी तो दही मंगवाई है, तो आपको किचन में लेके चलती हूँ मैं। लेकिन फ्राई हो रहा है यहाँ पे, मैंने फ्राई करके डालूँगी और एक तरफ इसका मसाला भी बन रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसमें अलग से डाल दूँगी क्योंकि ब्लॉग में एकदम डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। यहाँ पे टेस्टी सा चिकन हो रहा है फ्राई, मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है, तेल देखिए आप पूरा ऊपर सरफेस पे आ चुका है। चावल भी भीग चुके हैं 2 घंटे। ये मैंने सेला चावल लिए हैं जिसको मैंने 2 से 2.5 घंटे भिगोने रख दिए थे। बिरयानी को दम पे भी लगा दिया है, चावल चिकन सब डाल दिया है, रंग भी डाल दिया। इसको 15 से 20 मिनट तक इसको धीमी आंच पे छोड़ दूंगी मैं। दोपहर का खाना वगैरह हो गया था, रेस्ट भी कर लिया है, मगरिब का भी वक्त हो रहा है। आज मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि वड़ा पाव बनाएंगे, तो आज आप लोगों को थोड़ी सी वो भी झलक दिखाती हूँ मैं। और चलिए किचन में चलते देखते क्या हो रहा है। सो देखिए आलू भी बॉईल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी गर्म है, रुक के करेंगे। साथ ही साथ बर्तन भी धुलते जा रहे हैं क्योंकि कल से 6 दिन तक के काम वाली नहीं आएगी मेरी। ठीक है बहुत शर्माते नहीं आते मेरी वीडियो। पहले बेसन इसको मिला के रख रहे हैं, तो हम लोग ने इसमें नमक मिर्ची थोड़ा सा सोडा 1 पिंच और इसको अच्छे से मिक्स करना है और एक बैटर कंसिस्टेंसी में लाएंगे। तरफ हम लोग ने आलू मैश करके रख लिए हैं जिसका मैं मसाला भी बताऊंगी आपको। तो आज कुछ सारा जिम्मा मेरे हस्बैंड ने लिया, वही करेंगे आज सब कुछ, मैं बस उनकी हेल्प कर रही हूँ आज। 2-3 और ड्रॉप्स लेमन के भी डालेंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ें पहले से ही करके रख चुके हैं। कुछ हरी मिर्ची है जो 7 तल के खाई जाती है, कोरिएंडर लीव्स हैं, करी लीव्स हैं, ये ड्राइड हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ले लीजिए। ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का थोड़ा सा पेस्ट बनाया है हमने, और ये मेरे पास पहले की लाल चटनी रखी है और ये हरी चटनी हम लोग ने फ्रेश पीसी है। सो ये सारा सामान हम लोग ने पहले से ही करके रख चुके हैं। हम पहले आलू का मसाला बनाएंगे, तो थोड़ा बटर और थोड़ा ऑयल डालेंगे। हम लोग राई डाल रहे हैं थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून के करीब, उससे भी कम होगी। अब इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें करी लीफ को ऐड करेंगे। इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। नमक अपने हिसाब से डालिएगा। हम लोग ने 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उस हिसाब से हम बना रहे हैं इसको। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून से भी कम, एकदम 3-4 पिंच समझ लीजिए। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून,
हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला है, तो ध्यान रखिए थोड़ा कम ही रखिएगा इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसे कुक नहीं करते हुए, बस थोड़ा सा मिक्स करके, 2 मिनट हो गए अभी इसको। अभी हरी धनिया डाल देंगे हम लोग इसमें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आपका ये आलू बनके तैयार है वड़ा पाव के। अब इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे हिसाब से। आलू में थोड़ा सा नमक भी हम लोग को कम लगा था, तो अभी हम लोग ने मिक्स कर रहे हैं ये स्टेज पे। थोड़ा सा और मैश करेंगे हम लोग आलूओं को। हम लोग इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि पाव के साइज़ भी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और बेसन भी तैयार है, ऑयल भी ऑलमोस्ट हो चुका है हीट अप। हम इसको अब फ्राई करेंगे। अब हम एक एक इसको अच्छे से डिप करेंगे बेसन में और फ्राई करने रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं एक एक थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी, इसको जो जो ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं। एक तरफ पाव में चटनी लगा लेनी है आप लोगों को अपने हिसाब से, हरी है लाल है जो सी आपके पास है, ठीक है। थोड़ी हरी मिर्च भी डाल दी थी, इसको भी फ्राई कर लिया मैंने साथ में। निकाल लूँगी मैं प्लेट में। हमारे वड़ा पाव रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बैठे हैं, ट्राई करने जा रही हूँ मैं कि कैसा बना है। लेट्स सी, मैं इनको रेट करती हूँ 10 out of 10। सो गाइस आप देख सकते हो कितना हॉट है अभी, तो थोड़ा रुक के मैं खाऊँगी। बहुत ही डिलिशियस लग रहा है मुझे तो। थोड़ा ठंडा हो गया, मैं इसको ट्राई करती हूँ। वाकई बहुत अच्छा बना है, 10 में से 9 में आपको दूंगी। यम्मी। अभी गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और वाकई बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और संडे का स्नैक है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि घर में आप कोई चीज़ बनाओ। यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज के व्लॉग को। होप्स आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल ग्रो हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ ज़रूर जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे भी आप जाके मुझको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं स्टोरीज डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिए।